आज हम बनाने जा रहे हैं वेज हक्का नूडल्स। उसके लिए हमने ये चिंग्स के 2 पैकेट्स लिए हैं वेज हक्का नूडल्स के। ये नया पैकेट आया है, इसके ऊपर लिखा है जस्ट सोक। इसे हमें बॉयल नहीं करना, इसे गर्म पानी में सोक करके रखना है। आप जो भी पैकेट लें उसके पीछे जो भी डायरेक्शंस लिखी हो वो पढ़ के ही उसे बनाएं। सबसे पहले हम पानी को बॉईल करेंगे। ये हमने 6 कप्स पानी लिया है। गैस को हमने फुल पे रखना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ताकि नूडल्स आपस में चिटके नहीं। अब पानी को बॉईल होने देंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें 2 पैकेट हक्का नूडल्स के डालेंगे। अब इन्हें 5 से 7 मिनट पानी में ऐसे ही सोक करके रखेंगे। ऊपर से इन्हें कवर कर देंगे। नूडल्स को ढक के रखे 6 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं। ये देखिए, नूडल्स हमारे नरम हो चुके हैं और सब अलग अलग हो गए हैं। ये देखिए, इन्हें बिल्कुल नरम नहीं करना। अब इन्हें छलनी में डाल के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और फिर इसे रनिंग वाटर से अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि इनका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए, और फिर इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। नूडल्स को हमने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है, तो चलिए अब हक्का नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे। गैस को हमने लो मीडियम पे रखा है। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। ऑयल गर्म हो चुका है। अब गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे। इसमें ये 15-20 कलियां लहसुन लिया था, उसे बारीक चॉप कर दिया, ये डालेंगे और इसे धीमी आंच पे भूनेंगे। इसे हल्का ब्राउन करना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। लहसुन को धीमी आंच पे ही भूनना है। ये देखिए, हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो धीमी आंच पे ही ये अच्छी तरह से भुना जाता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें सॉसेजेस मिक्स करेंगे। गैस को सिम पे ही रखेंगे। ये रेड चिल्ली सॉस है, ये 1.5 टेबल स्पून। ग्रीन चिल्ली सॉस 1.5 टेबल स्पून। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। टोमेटो केचप 2 टेबल स्पून। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए भूनेंगे। सॉसेस भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। सॉसेस को भूनते 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून, और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को लो मीडियम पे कर देंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे। ये हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, इन्हें ऐसे लंबा लंबा काट लिया। ये भी डालेंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए भूनेंगे। गैस को मीडियम हाई पे कर देंगे। प्याज को भी हमने 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें बाकी की सब्जियां डालेंगे। ये हमने 2 छोटी गाजर ली थी, इन्हें भी ऐसे लंबा काट लिया। ये 1.5 कप कैबेज है, इसको भी ऐसे पतला पतला लंबा काट लिया। 1 शिमला मिर्च है मीडियम साइज की, इसे भी लंबा काट लिया। सब सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लिया था और सुखा लिया। अब ये भी ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें 2-3 मिनट पकाएंगे। सब्जियों को हमें क्रंची रखना है, गलाना नहीं है इन्हें। सब्जियों को हमने 3-4 मिनट पका लिया है, क्रंची हो गई है, तकरीबन 70% कुक हो चुकी हैं। अब इसमें ये हक्का नूडल्स मसाला है, ये ऐड करेंगे पूरा पैकेट। इसमें अभी हम नमक मिर्च कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि इसी मसाले में सब कुछ होता है। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो इसके बदले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च डाल सकते हैं। हम नहीं डालेंगे क्योंकि इस मसाले में ही नमक होता है। जब नूडल्स मिक्स करेंगे तो थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे, अगर कम लगेगा तो और ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नूडल्स डालेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे, साथ में मिक्स करते जाएंगे। गैस को अभी हमने फुल कर देना है।
अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इन्हें भी 2-3 मिनट तक पकाएंगे। नूडल्स डाल के भी हमने 2-3 मिनट इन्हें अच्छे से पका लिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब गैस को बंद करेंगे और इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और बहुत ही टेस्टी नूडल्स बने हैं। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी वेज हक्का नूडल्स। ये देखिए कितने खिले खिले नूडल्स बने हैं। जब भी पानी बॉईल करें तो उसमें ऑयल जरूर डालिए, उससे आपके नूडल्स चिपकेंगे नहीं, ऐसे ही अलग अलग बनेंगे। तो आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।